ड्रमस्टिक सोचते से ही मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था कि ये सब्जी मैं बनाऊं, बिकॉज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। बट एक दिन जब मैंने ये रेस्टोरेंट में ट्राई किया, तब से मैं ये स्टार्टर की फैन बन गई एंड मैं इसे हमेशा बनाती हूँ। तब सोचा कि ये मैंने आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, बिकॉज़ ये बहुत टेस्टी एंड बहुत हेल्दी है, आपके बच्चों को 100% पसंद आएगा। Please subscribe my channel and hit the bell icon. You'll get all my latest recipes. Welcome to Saili's KitchenAid. ये स्टार्टर बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो आपके घर पे इजीली अवेलेबल रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कट करके लेते हैं ड्रमस्टिक्स को। इसे 2 इंच की हाइट में हम कट करेंगे एंड ऐसे जितना हो सके उतना जो इसके स्किन है वो पील आउट करने की कोशिश करेंगे। हमें 100% इसकी स्किन पील आउट नहीं करनी है। ड्रमस्टिक्स हेल्प्स यू टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी पावर एंड इवन हेल्प्स यू टू प्यूरिफाई योर ब्लड। इट मेक्स योर बोन स्ट्रॉन्गर। तो इसे आपके डाइट में फिक्स ऐड करना, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अब हम ड्रमस्टिक को कुक करने लेते हैं। एक पैन में हम 1 कप पानी बॉईल करेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड करके, एंड जितने भी कट किए हुए ड्रमस्टिक्स है उसमें हम ऐड कर देंगे। हमें ड्रमस्टिक बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, इसीलिए हम इसे कुकर में नहीं कुक कर रहे हैं। इसे सिर्फ 5 से 7 मिनट तक ही कुक करना ज़रूरी है, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए जिसे हम खा सकते हैं। बस ये ओवर कुक नहीं होना चाहिए। इसे आप थोड़ा सा प्रेस करके चेक कर सकते हो। इसके बाद एक छलनी की मदद से हम जो एक्स्ट्रा पानी है वो अलग करके लेंगे एंड ड्रमस्टिक्स को ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। ये पानी को फेंकना नहीं, बहुत ज़्यादा हेल्दी वाटर है, बिकॉज ये ड्रमस्टिक का स्टॉक है। आप इसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे सूप्स में या फिर एक डो फॉर्म करने के लिए। इसे सेपरेट करके मैं अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ रही हूँ फॉर 10 मिनट्स। अब इसमें हम 1.5 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे एंड इसमें हम करी लीव्स को अच्छे से डीप फ्राई करके लेंगे। मैंने यहाँ पे कम से कम 15 से 20 करी लीव्स लिए हैं। इसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। एक बार करी लीव्स क्रिस्पी हो जाए तो इसे हम अलग कर देंगे। अब बचे हुए तेल में हम राई जीरा का तड़का लगाएंगे एंड यहाँ पे मैंने फ्रेशली क्रश्ड गार्लिक यूज़ किया है। कम से कम 8 से 10 क्लॉव्स है ये। एंड अगर आपके पास रेडी गार्लिक पेस्ट है तो इसे 1 टेबल स्पून ऐड कर देना एंड इसे हम सॉटे करेंगे अंटिल इसका रॉनेस चला ना जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड करें 3 टेबल स्पून रोस्टेड पीनट का क्रश। यहाँ पे मैंने सिर्फ पीनट्स को अच्छे से रोस्ट करके लिया है एंड उसे क्रश करके लिया हुआ एंड इसे हम सॉटे करके 2 मिनट के लिए पकने देंगे, तब तक जब तक इसमें छोटे छोटे बबल्स आना चालू ना हो जाए, कुछ ऐसा। इसके बाद फटाफट इसमें सारे मसाले ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धना पाउडर, 1/4 स्पून टर्मरिक पाउडर एंड 1/4 गरम मसाला, थोड़ा सा सॉल्ट एंड एकदम थोड़ा सा शुगर। गैस को अब हमें लो फ्लेम पे रखना है एंड सारे मसाले अच्छे से सॉटे करके लेना है, जस्ट 10 से 15 सेकेंड तक। ये मसाले जल ना जाए उसका ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे मेरे ड्रमस्टिक्स अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, उसे मैं ऐड कर रही हूँ इन मसाले में और इसे हम अच्छे से सॉटे करेंगे ताकि सारा मसाला ड्रमस्टिक्स पे चिपक जाए। इसे हम अच्छे से टॉस करके लेंगे।
अब इसमें हम ऐड करेंगे बारीक चौके हुए धनिया पत्ते एंड यही पे आप ऐड कर सकते हो जो करी लीव्स हमने फ्राई करके लिए थे। इसके बाद इसका मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ। एंड जो एक्स्ट्रा का मसाला है वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। एंड इसे वापस हम गार्निश करेंगे फ्राइड करी लीव से एंड थोड़े से बारीक चॉप कोरिएंडर से। ये बन गया सुपर इजी एंड सुपर टेस्टी ड्रमस्टिक स्टार्टर रेडी। इसे आप जरूर ट्राई करना, बहुत इजी एंड बहुत ज्यादा टेस्टी भी है ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो एंड सपोर्टिंग मी टिल नाउ। कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। बाय बाय।